खबर टोंक से, जहां पर सदर थाना पुलिस क्षेत्र में एक युवक ने अपने चचेरे भाई की पत्थर से मार कर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने हत्या के आरोपी कालू उर्फ उमरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अधिकारी छोटेलाल ने बताया कि मृतक इमरान ड्राइवरी का काम करता था और पिछले कई दिनों से अपनी भाभी से छेड़छाड़ कर रहा था। ऐसे में महिला की शिकायत पर उमरुद्दीन ने इमरान की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। देखिए, कल देर रात्रि को एक बहुत संगीन वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके अंदर जो आरोपी है, आरोपी का नाम कालू उर्फ उमरुद्दीन है, उसने अपने चचेरे भाई इमरान की हत्या कर दी। हत्या का मूलतः जो कारण रहा, वो कारण ये रहा कि जो मृतक है वो कालू उर्फ उमरुद्दीन जो आरोपी है, उसकी बीवी को उसकी जब वो बाहर जाता था तो पीछे से अनैतिक संबंध बनाने के लिए बाधे करता था। जब इसको ये बात संज्ञान में इसकी बीवी ने लाई तो कालू उर्फ उमरुद्दीन को ये बहुत बुरा लगा और गुस्से के अंदर वो अपने पड़ोसी जो उसका भाई भी लगता है उसके घर पे जाता है और उसकी हत्या कर देता है। हत्या के तुरंत बाद वो वहाँ से फरार हो जाता है। मौके पर पुलिस आला अधिकारी पहुँचते हैं, तत्काल टीमें गठित करके देर रात इनको अरेस्ट किया। राजस्थान में फिलहाल इतना ही।